कूलम्स लॉ। तो ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये कहाँ से मैथमेटिकल स्टार्ट होता है? कूलम्स लॉ। अभी तक हमने क्या स्टडी किया कि बॉडी को, बॉडी में कितने टाइप के चार्जेस हैं और चार्जेस कैसे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अब मान लो दो बॉडीज हैं आपके पास, एक के ऊपर Q1 चार्ज है, एक के ऊपर Q2 चार्ज है। ये दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करेंगी या ये रिपेल करेंगी। अब चाहे ये अट्रैक्ट करें चाहे ये रिपेल करें, उनके बीच में कोई फोर्स होगी। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो कौन बताएगा? कूलम्स लॉ। तो कूलम लॉ ये बताता है कि आपके पास अगर दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 एंड दीज आर पॉइंट चार्जेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 ये किसी बॉडी के ऊपर चार्जेस नहीं है, ये कौन से चार्जेस हैं, ये पॉइंट चार्जेस हैं। तो अगर Q1 एंड Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ r, तो इनके बीच में जो फोर्स होगी, चाहे अट्रैक्टिव होगी चाहे रिपल्सिव होगी, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर होगा। इन्हें अगर हम कंबाइन कर लें तो ये टर्म आएगी और प्रोपोर्शनल का साइन हटके क्या आएगा? कॉन्स्टेंट आएगा। तो ये आपके पास कूलम लॉ हो गया। अब इस कॉन्स्टेंट की बात करते हैं। तो इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? किसी भी मीडियम पे डिपेंड करती है। अब मीडियम क्या हो सकता है? मीडियम बहुत तरीके के हैं, जैसे वाटर मीडियम है, एयर मीडियम है, ऑयल मीडियम है, ग्लास मीडियम है, एटसेट्रा। तो दो चार्जेस वाटर में पड़े हो सकते हैं, वैक्यूम में हो सकते हैं, एयर में हो सकते हैं, ग्लास में हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन मीडियम ये फोर्स की वैल्यू में चेंज। तो ये जो कॉन्स्टेंट है, सपोज करो अगर आपका मीडियम वैक्यूम है, वैक्यूम में इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू SI सिस्टम के अंदर याद रखनी है 1/4πε0। जैसे अल्फा बीटा गामा सिंबल होते हैं, ये एक सिंबल है, इस सिंबल को क्या प्रोनाउंस करते हैं? एप्सिलॉन। नॉट का मतलब होता है कि मीडियम इज वैक्यूम। तो आपके पास क्या आया? 1/4πε0 Q1 Q2 / r स्क्वायर। और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 8.8 × 10⁻¹². ये याद रखनी है। तो यानी कि अगर दो चार्जेस वैक्यूम में है तो फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? 1/4πε0 Q1 Q2 / r स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? और अगर मान लो ये चार्जेस वाटर में होते तो कांस्टेंट की वैल्यू होती 1/4πε0 into Q1 Q2 / r स्क्वायर। तो आपको न्यूमेरिकल में हो सकता है एप्सिलॉन वाटर गिवन होता, क्योंकि आप वैक्यूम की तो ये वैल्यू याद कर चुके हो 8.8 × 10⁻¹². वाटर की तो आप हर मीडियम की याद तो कर नहीं सकते हो, तो मैंने यहाँ पर वाटर लिख दिया। अगर जैसे ये ऑयल होता तो यहाँ पर एप्सिलॉन ऑयल हो जाता। अगर मान लो ये कोई भी इन जनरल कोई भी मीडियम होता तो यहाँ पर एप्सिलॉन एम कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू एप्सिलॉन एम फोर्स में चेंज। तो ये फॉर्मूलाज आ गए। अब जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल करते हुए आपके पास जैसे वैक्यूम है, वैक्यूम में आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे Q1 Q2 R आपको गिवन होगा 1/4π 8.8 × 10⁻¹². तो ये आपको बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने एक ही बार इसको सॉल्व कर लिया, जब इसकी वैल्यू हमने पुट की 8.8 × 10⁻¹², सॉल्व करके आपका आंसर आया 9 × 10⁻¹². ये आपने क्या करना है? याद करना है। जैसे वैक्यूम का न्यूमेरिकल है, Q1 Q2 आपको गिवन है 1 कूलम, डिस्टेंस आपको गिवन है 1 मीटर, आपको फोर्स निकालनी है, तो फोर्स का फॉर्मूला लिखें। तो इसकी जगह क्या लिखें? 9 × 10⁻¹, Q1 Q2 R आपको पता है, तो आंसर आ गया 9 × 10⁻¹ न्यूटन। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? अब ऐसी अगर हम वाटर की बात करें, ऑयल की बात करें, मीडियम की बात करें, तो हमें एप्सिलॉन एम की वैल्यू चाहिए होगी। अब डिस्कस करते हैं एप्सिलॉन होता क्या है। जैसे प्लस वन में एक सिंबल था म्यू, म्यू क्या होता था? कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। सिंबल का नाम था म्यू पर होता क्या था? कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। ऐसे इसका सिंबल का नाम क्या है? एप्सिलॉन नॉट। पर ये होता क्या है? दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन डब्ल्यू का मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर, ऐसी एप्सिलॉन एम का मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, याद रखना है आपने। अब ये होती क्या है एप्सिलॉन की, ये परमिटिविटी क्या बताती है? परमिटिविटी हमें ये बताती है कि सपोज करो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है, मींस एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा है, तो जिस भी मीडियम का एप्सिलॉन ज्यादा है उसमें फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। उसमें चार्जेस में फोर्स क्या आएगी? कम आएगी। जैसे म्यू कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन किसी भी सरफेस का ज्यादा है तो वहां फ्रिक्शन की फोर्स ज्यादा आएगी, और अगर म्यू कम है तो फ्रिक्शन की फोर्स कम आएगी। ऐसी इसमें
अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो फोर्स कम आएगी, परमिटिविटी कम है फोर्स ज्यादा आएगी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसमें ये परमिटिविटी क्या शो कर रही है आपको, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है वैक्यूम के लिए। फिर से अभी तक तो हम किसमें बात कर रहे थे, एसआई में, अब बात करते हैं सीजीएस में। तो अगर सीजीएस सिस्टम में वैक्यूम की बात की जाए तो इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है वन, सिर्फ वन। एसआई में क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सीजीएस में क्या होती है वैक्यूम के लिए, वन। तो आंसर क्या आएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन एसआई में चार्ज किसमें मेजर करते हैं, कूलम में। सीजीएस में किसमें मेजर करते हैं, स्टैट कूलम में। और डिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में। और याद रखना है एक कूलम किसके इक्वल है, 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम के इक्वल है। क्लियर है यहां तक? तो जब सीजीएस में काम करेंगे तब देखेंगे। अब जैसे इसमें हमने क्या स्टडी किया, अगर मीडियम वैक्यूम है तो वैक्यूम में किन्हीं भी दो चार्जेस में फोर्स क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अगर कोई मीडियम है तो मीडियम में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अगर आप इन्हें दोनों को डिवाइड कर दें तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा, Epsilon m by epsilon naught। तो इनकी जो रेशियो है Epsilon m by epsilon naught, इसकी रेशियो को लिखते हैं Epsilon r। इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है जैसे Epsilon naught क्या था, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, Epsilon m क्या था, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव, क्योंकि दो टर्म्स को आप डिवाइड कर रहे हो, ये रिलेटिव टर्म देगा आपको। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, और इतना बड़ा नाम नहीं लिखना, तो एक शॉर्ट नाम है इसका, क्या नाम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम एप्सिलॉन आर लिखो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखो, एक ही बात है। रादर ये सिंबल भी चेंज कर सकते हो, एप्सिलॉन आर की जगह क्या लगा सकते हो, के लगा सकते हो। तो एप्सिलॉन आर लिखना है, एप्सिलॉन आर लिख दो, के लिखना है, के लिख दो, बात एक ही है। क्लियर है यहां तक? तो ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, सिग्निफिकेंस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का या एप्सिलॉन आर को यूज कैसे करना है। आपको ये समझ में आ गया कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, यहां पे के भी लिख सकते हैं, के किसकी रेशियो है, एफ नॉट बाय एफ एम, यानी कि फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो आपने ये फॉर्मूला लिख लिया। अब सपोज करो एक न्यूमेरिकल में आपको चार्ज क्या गिवन है, 1 कूलम, दूसरा चार्ज क्या गिवन है, 3 कूलम, डिस्टेंस क्या गिवन है उनके बीच में, 2 मीटर। आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है दोनों चार्जेस के बीच में, जब चार्जेस किस में पड़े हुए हैं, इन वैक्यूम। तो आपने वैक्यूम के अंदर फोर्स निकालनी है, तो वैक्यूम का फॉर्मूला लगा लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वैल्यू को पुट किया वैक्यूम में, ये वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 क्या है, 1 × 3, और आर कितना है, 2। सॉल्व करके आंसर आ गया। अब वो न्यूमेरिकल पूछेगा कि मेरे को वैक्यूम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मेरे को सपोज सेम चार्जेस हैं Q1, Q2 एंड R भी सेम है, मैंने इनको किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 10। तो मुझे वाटर के अंदर फोर्स बताओ। आपने वैक्यूम में फोर्स निकाल ली, जब चार्जेस वैक्यूम में है तो फोर्स क्या आई, 27/4 × 10⁻⁹ आ गई। आपको वाटर में निकालनी है अब, तो आप के लिखें, के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है वाटर का, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन वाटर। तो यहां से के कितना है, 10 है, वैक्यूम के अंदर वैल्यू पता है आपको फोर्स की, हमने निकाल ली, वाटर में आपने निकाल ली है, क्रॉस मल्टीप्लाई, वाटर की फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो किस तरीके से आपने यूज करना है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को, क्या सिग्निफिकेंस है, ये समझ में आ रहा है कूलम लॉ में? ठीक, और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है एप्सिलॉन नॉट का, तो आप फोर्स का फॉर्मूला लिखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसके अंदर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ। तो आप इसमें चार्ज को क्या लिखेंगे, एम्पियर इनटू टाइम। यूनिट्स एंड डायमेंशन में चार्ज क्या होता है, एम्पियर इनटू टाइम। ये चार्ज भी क्या होगा, एम्पियर इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ स्क्वायर। फोर्स क्या होगा, MLT -2। सिंप्लीफाई करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। तो ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक?